दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि लेडीजों को ना पर्स का कितना शौक होता है। आपको आज अपने पर्स का कलेक्शन दिखाती हूँ कि डर भी लगता है थोड़ा हाँ, थोड़ा। तो प्रिशा को बहुत डर लगता है वैसे बलून को फोड़ने में, लेकिन हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है पूनम संजीव नौटियाल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल क्यूट प्रिसास वर्ल्ड में। तो दोस्तों, अभी अभी का सीन ये है कि अभी हो गया है तैयार स्कूल के लिए। उनका टिफिन मैंने पैक कर दिया है, अभी का भी और प्रिशु का भी। तो अभी हो गया है रेडी, बस उसके थोड़ा सा बाल बनाने हैं और फिर उसका थोड़ी देर में उसका ऑटो आ जाएगा। फिर ये देखिए, ये है प्रिशा का टिफिन, ये भी रेडी है और अभी ने अपना टिफिन डाल दिया है बैग में। टिफिन और बॉटल उसकी तैयार है, उसका बैग सब तैयार है। ये मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और गाइस देखिए, प्रिशा को देखिए, प्रिशा के क्या क्या नौटंकी होती रहती है मॉर्निंग में। लड़की को बस फैशन करना होता है, बहुत मन होता है प्रिशा आपका फैशन करने का। हाँ चलो, अब रोटी रोटी खानी है, कलर लगा रखा है। चलो अब रोटी खाओ और फिर स्कूल चलेंगे। दोस्तों, तो मैं प्रिशा को छोड़ के आ गई थी स्कूल से और सब मेरा नाश्ता हो गया है, नहाना धोना, आज मेरा सारा काम हो चुका है तो मेरे पास टाइम भी है और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती थी। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि लेडीजों को ना पर्स का कितना शौक होता है, बहुत शौक होता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास हर टाइप के, अलग टाइप के, छोटे बड़े सब हमारे पास खूब सारे पर्स हो। तो मुझे भी बहुत शौक है पर्स रखने का, तो मैं आपको आज अपने पर्स का कलेक्शन दिखाती हूँ कि मेरे पास कैसे कैसे और किस टाइप के पर्स रखे हुए हैं। तो आइए दिखाती हूँ। अपने छोटे से कलेक्शन से, जो मेरा छोटा पर्स है मेरे पास, उनसे शुरू करती हूँ, फिर छोटे से बड़े के और हम जाएंगे। तो सबसे पहले है मेरा ये वाला पर्स, ये देखिए, ये ना, ये मेरे पास सबसे छोटा वाला है और इजी होता है कैरी करने के लिए, तो मैं ये इसको अक्सर अपने पास रखती थी। अब काफ़ी टाइम से ये वाला नहीं रख रही हूँ। ये भी मेरे को, मतलब मुझे बहुत अच्छा ये पर्स अपना लगता है। इसमें ना इस तरीके से बने हुए हैं, देखिए इस तरीके से ये बने हुए हैं ना, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। इनके अंदर ना मैं जो भी कार्ड है अपने, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, आपका पैन कार्ड, जो भी है इजी से इसमें रख सकते हैं। ये देखिए, ये है छोटा सा मेरा पर्स। और एक और है मेरे पास ग्रीन कलर का, ये रहा, ये देखिए इस तरीके से। ये ना काफी टाइम हो गया है मुझे इसको यूज किए हुए, अब मैं इसका यूज उतना नहीं करती हूँ। ये थोड़ा सा, मतलब साइड में ही रखा हुआ है मेरा ये वाला पर्स, इतना यूज मेरा इसका होता नहीं है। और अब मैं आपको, एक ये पर्स है, ये मैंने लिया था, इनके ना मुझे प्राइस का अभी उतना याद नहीं आ रहा कि ये मैंने कितने में लिया होगा। ये मुझे लग रहा है ये मैंने 250 या 300 का ये मैंने ये लिया था, ये मैंने पल्टन मार्केट से लिया था यहाँ के, और इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये मैंने कितने का लिया था ये वाला। और एक है ये वाला पर्स, देखिए ये भी मेरे को जब मैंने ये खरीदा था ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा ये पर्स लगता था। अब तो ना इसमें एक यहाँ पे एक कुछ बना हुआ भी था, कुछ लगा हुआ था, एक मेटल का कुछ डिजाइन, वो अच्छा लगता था, लेकिन वो टूट गया है मेरा, तो ये अब थोड़ा सा यहाँ से खाली खाली सा हो गया है। ये है मेरा एक और पर्स, तो ये हो गया मेरा तीसरा पर्स। एक और ये पर्स देखिए, ये है एक मेरे पास, तो ये वाइट कलर का पर्स है, और ये देखिए ये इस तरीके से ये है, ये खाली है, ज़्यादा कुछ मेरा इसमें भरा नहीं रहता है पर्स में, खाली खाली पर्स है, लेकिन मुझे पर्स का शौक है तो मैं खूब सारे रख लेती हूँ अपने पास। ये देखिए, ये मैंने लिया था यहाँ पे पैसिफिक मॉल से, ये वाला
वाला है। ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये है अराउंड 350 का, ये मैंने लिया था ये वाला। ठीक, इस तरीके से इस पे लेस है। ठीक, ये वाला देखिए, ये पर्स मुझे बहुत अच्छा अपना लगता है। देखो छोटा सा है, कैरी करने के लिए इजी है। इसमें जो ये चेन लटक रही है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक कलर का। ये मेरा है लियानो पेरोस का, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ऑनलाइन मुझे ये पड़ा था 600 का या 500 का, ऐसा मुझे ये कुछ पड़ा था। ये आप इजी से कैरी कर सकते हो, साड़ी के साथ कर सकते हो, अपने जीन्स के साथ कर सकते हो, आप किसी शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तो आप इसको ले सकते हो और ये अच्छा लगेगा आपके किसी भी ड्रेस के साथ। कलर भी ब्लैक है, तो ब्लैक कलर तो सभी के साथ जाता है, कोई भी ड्रेस आप पहन लो। और अब मैं आती हूँ एक अपने में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्स। ये मेरे पास बहुत सी मेरी वीडियोस होगी, बहुत जगह में मैं जहाँ जाती हूँ ये मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये वाला पर्स अपना। ये देखिए, ये है कोड का और ये भी मैंने लिया था पैसिफिक मॉल से। ये थोड़ा सा ऊपर रेंज का, ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर का भी नहीं है, ये पड़ा था मुझे 2500 का। ये वाला पर्स कोड का है और छोटा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पर्स अपना, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों अब हम आते हैं थोड़ा सा मेरे बड़े पर्स में, ये तो सब छोटे छोटे थे कुछ। देखिए ये वाला, ये पर्स भी मुझे बहुत पसंद है। इसका जो डिज़ाइन है ना, देखिए दोस्तों ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमारे उत्तराखंड में नहीं मिलेगा ये वाला डिज़ाइन, क्योंकि ये मैंने उत्तराखंड से नहीं, ये मेरी जो देवरानी है उसने मुझे ये गिफ्ट करा है और उसने ये ख़रीदा है कश्मीर से। वो लोग कश्मीर में रहते हैं तो उन्होंने वहाँ से ख़रीदा और उसने मुझे ये गिफ्ट करा है जब वो पिछले बार आई थी, पिछले साल। तो ये देखिए, ये है, ये ऐसी जो ये होती है ना, ये डिज़ाइनिंग केवल वहाँ पे ही होती है, इसलिए मैंने कहा कि ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, वहीं पे मिलेगा कश्मीर में। इसमें आप चाहे तो इसको ऐसे टांग सकते हो कंधे पे, आप चाहे तो इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो, इसमें ऐसे हैंडल भी दिए हुए हैं दो छोटे छोटे, इसको आप ऐसे कैरी कर लो, साड़ी के साथ कर लो, सूट के साथ कर लो, तो ये बहुत अच्छा लगेगा इस टाइप का। एक पर्स है मेरे पास ये वाला, और ये मेहरून कलर का पर्स है। इसमें ना थोड़ा सा, ये मैंने लिया था प्रिशा के फर्स्ट बर्थडे के टाइम मैंने ये ख़रीदा था अपने लिए, और इसका प्राइस शायद 1500-2000 के बीच में है इसका प्राइस। ये देखिए, इसका ना बस मुझे एक माइनस पॉइंट जो लगता है, ये देखिए ये पिचक गया ना यहाँ से, जो ये इस टाइप के पर्स होते हैं ना, जो थोड़ा सा मतलब ये हार्ड टाइप के, देखो ये थोड़ा, तो मैं इसका यूज़ कम ही करती हूँ, ये ना सारा पिचक गया मतलब, और रखे रखे भी, ये देखिए देखिए इसके हाल। तो इस तरीके का पर्स ना थोड़ा मैं अवॉइड ही करती हूँ लेना, अब नहीं लूँगी मैं इस टाइप के पर्स। तो ये है, और अब एक है और लास्ट मेरे पास ये बैग है। देखिए ये है एक पर्स, मैं बस एक ऐसा है केवल, इसी में आप अपना सामान डाल सकते हो, खूब बड़ा सा पर्स है, ऐसा नहीं है इसका। बस ये ना, ये इसके साथ एक और दिक्कत है कि ये ऐसे ऐसे जब हम रखेंगे तो ये खड़ा नहीं आता, इसको बस लिटा के ही रखना पड़ता है, या तो इसके अंदर सामान भरा हुआ हो। अब देखिए, ये भी अच्छा पर्स है मेरा एक, लेकिन इसकी एक वो है, ये ना मुझे मेरी बहन ने दिया है, तो ये मुझे, ये भी मुझे गिफ्ट मिला है ये वाला पर्स, तो ये भी मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों ये है मेरे पास पर्स के कलेक्शन, और आई होप आप लोगों को मेरे पर्स कलेक्शन अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो बस इतने ही पर्स है मेरे पास, तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस, ये प्रिशा को आप देख रहे हो ना, हल्ला नहीं बेबी, प्रिशा रुको बेटा, ऐसा नहीं करो। तो प्रिशा का ना अभी 18 दिसंबर को इनका स्पोर्ट्स डे है स्कूल में, और प्रिशा सेलेक्ट करी है मैम ने बलून बस्ट करने में, प्रिशा को बलून फोड़ने हैं।
हाँ तो प्रिशा को बहुत डर लगता है वैसे बलून को फोड़ने में, लेकिन मैम ने मुझे स्पेशली कहा है कि मैम इसको आप घर पे भी इससे बलून इसको फुड़वाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरती है, इसलिए मैंने इसको रखा है उसी चीज में इसका फेयर हटाने के लिए। तो स्कूल में मैम ने मंगवाए हैं बलून, तो मैं अब प्रिशा कल लेके जाएगी स्कूल में, है ना प्रिशु? पिंक वाले, पिंक वाले, कोई भी कलर लेके जाना है बेटा, आप कोई भी कलर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को मेरा जो आज का पर्स वाला कलेक्शन है मेरा वो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।